नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंगरी स्पिरिट्स में। हंगरी स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूं। तो बारी है आज डेली रैंकिंग की फिर से, और आज होगी रैंकिंग सैटरडे के वार की, यानी कि वीकेंड का वार जो शुरू हुआ है उसकी रैंकिंग होगी। और वीकेंड का वार ज्यादातर डिपेंड करता है सलमान खान के ऊपर, और सलमान खान आजकल ज्यादा नहीं दिखते हैं, ज्यादा कंटेस्टेंट ही दिखते हैं। तो टोटल रैंकिंग होगी कि शुरू से लेकर एंड तक किसकी परफॉर्मेंस कितनी रही, कितना कोई दिखा, कितने किसी की चर्चा रही, ये सारी चीजें होंगी इस एपिसोड में, पर्टिकुलर इस वीडियो में। तो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है, जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल हंगरी स्पिरिट सब्सक्राइब नहीं किया कृपया कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकॉन जरूर दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे, धन्यवाद। तो शुरुआत करते हैं नंबर 12 से। 12 ही कंटेस्टेंट है घर के अंदर, और अगर कोई एक आउट होता है तो फिर 11 रह जाएंगे, मगर रैंकिंग होगी 12 की, क्योंकि कल के एपिसोड में 12 के 12 ही थे। तो 12वें नंबर पे आते हैं सोनाली फोगट। सोनाली फोगट जिन्होंने आते ही नंबर 11 पे कब्जा किया था, मगर आज उनको 12वां नंबर देना पड़ रहा है, क्योंकि कल अगर हम बात करें तो शुरू में जब सलमान खान ने उनके इंट्रोडक्शन में उनका वेलकम किया था, और उसके बाद हम अगर सोचें भी तो हमें समझ में आता है, देखा जो हमने एपिसोड उसमें एंड में जाके सोनाली फोगट दिखाई थी जब उनको गिफ्ट्स मिली थी क्रिसमस के ऊपर, तो पूरे एपिसोड में कहीं पे भी सोनाली का कोई ना तो जिक्र था, ना ही आरजे रुबीना के उस पर्टिकुलर शो में उनका कोई नाम था, तो ना तो नाम में थी ना ही दिखने में थी। तो उनको रखना 12 नंबर पे बिल्कुल भी गलत नहीं होगा, उनको थोड़ा बकअप करना पड़ेगा आगे आने के लिए, मगर फिलहाल कल की परफॉर्मेंस के हिसाब से वो है नंबर 12 पे। नंबर 11 पे है राहुल महाजन। जी हाँ, राहुल महाजन का कल सलमान खान ने ट्रैक रिकॉर्ड दिखा दिया कि आपने कहाँ कहाँ पे महानता के झंडे गाड़े हैं, तो अब भी आप वही करते हुए नजर आ रहे हो, तो वो आप मत कीजिए, टास्क के लिए इन्वॉल्व होइए गेम में, आप कुछ नहीं कर रहे हो, चिल करना बंद कर दीजिए, ऐसी सब हिदायतें उन्होंने इशारों इशारों में राहुल महाजन को दे दी, और ये बात समझा दी कि भाई परफॉर्म करना ही पड़ेगा, नहीं तो बहुत कुछ गलत हो जाएगा, गलत इन द सेंस आप घर से बाहर हो जाओगे। तो राहुल महाजन का ये सेक्शन था जिसमें वो दिखाई दिए, तो राहुल महाजन आते हैं नंबर 11 पे। नंबर 10 पे आते हैं अभिनव शुक्ला, जिनको रुबीना ने कहा था तुझ में रब दिखता है यारा मैं क्या करूं। यहां रुबीना उनको दो बार दिखा सकती थी, मगर रुबीना ने उनको एक ही बार दिखाया सिर्फ इस गाने पे, जबकि रुबीना के पास चांस था कि रुबीना अभिनव और एजाज खान के बीच में मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी गाना करवा सकती थी, मगर शायद हो सकता है कि ये रुबीना ने जानबूझ के किया हो, क्योंकि उनको ये गाना उनके ऊपर डेडिकेट करना था। बट मेरे हिसाब से अभिनव शुक्ला ज्यादा दिख सकते थे, एक तो यहाँ पे दिखे, दूसरा अभिनव शुक्ला दिखे जब उन्होंने एक स्ट्रेटजी की बात की कि एक तीसरी स्ट्रेटजी यहाँ पे बन रही है और वो है राहुल और अली की, तो वो बस इतना ही था, और बाकी एंड में थोड़ा सा दिखे हैं, तो ज्यादा कंट्रीब्यूशन इनका नहीं था। तो आते हैं नंबर 10 के ऊपर। नंबर 9 पे आ गए हैं राखी सावंत। राखी सावंत का जूली वाला किरदार जो था, जिसने एक पूरा एपिसोड अपने ऊपर ले लिया था, वो किरदार कल के एपिसोड में लगा कि फेक ही था राखी का, और राखी ने वो पूरा का पूरा ड्रामा किया था, क्योंकि कल वो चीज जो थी उसी को मजाक बनाया गया, और राखी सावंत ने काफी कुछ बातें की, लव लपाटा ये वो सारा कुछ, जैसे सलमान खान ने पूछा तो राखी सावंत का इन्वॉल्वमेंट कल काफी था, वो अगर उनके हिसाब से देखा जाए तो राखी सावंत ने काफी सारे मुद्दे भी बीच में करने की कोशिश की, उनपे पॉइंट उठाने की कोशिश की, जैसे कि अली और जैस्मिन वाली बात थी, और बाकी लोगों के बीच में भी जैसे राहुल का, फिर निक्की के लिए भी उन्होंने बोला, तो ये सारी चीजें राखी सावंत कल के उसमें करती हुई नजर आई, मगर उतना नहीं जितना बाकी खिलाड़ियों ने किया। तो राखी आती है नंबर 9 के ऊपर। नंबर 8 पे आती है निक्की तंबोली। जी हाँ, निक्की तंबोली कुछ ना भी करे, हफ्ते में उनके लिए कोई खास जिक्र वाली बात ना भी हो, तब भी सलमान खान निक्की को इन्वॉल्व करते ही करते हैं शो में, उनको पूछ के, उनकी नकल उतार के, या जो भी उनको अच्छा लगता है निक्की में तो वो निक्की से बात करते हैं, और निक्की ने कल एक तो पंच मार ही दिया कि वो जब से आई है उनकी किसी के साथ बनी नहीं है, उन्हें किसी के साथ बनाने की कोशिश नहीं की है, मगर अब वो राहुल वैद्य के साथ अपना कनेक्शन बनाना चाहती हैं, तो ये निक्की तंबोली ने कल कहा, और बाद में उनका जो कंट्रीब्यूशन था वो दिखा मुझे,
जो लास्ट हुआ था टास्क जिसमें उनको चप्पलें मिली थी और वो चप्पलें उनको स्वीकार नहीं थी, तो इतना सा ही था निक्की का। बट सलमान खान निक्की को फुटेज दिलवा जरूर देते हैं वीकेंड का वार में, इसीलिए निक्की आती है नंबर 8 के ऊपर। नंबर 7 पे आ गए हैं विकास गुप्ता। विकास गुप्ता को शुरू में ही सलमान खान ने सवाल पूछ लिया था लाइफ को लेके, और सलमान खान के सवाल का गोलमोल जवाब देके वो आगे निकल गए थे, मगर उन्होंने फुटेज गेन की जब राहुल वैद्य को सलमान खान ने डांटा और उसके बाद राहुल वैद्य को समझाया, उसका दिल जीता, उसको दुपट्टा गिफ्ट किया और एक फुटेज की एक अपनी अच्छी खासी रिकॉर्ड जो थी बना ली, और फिर अर्शी खान के साथ भी उनका सीन था। तो अगर देखा जाए बाकियों के हिसाब से तो विकास गुप्ता ले ही गए फोटेज, चाहे उनके मुद्दे थे नहीं थे जो भी था, उन्होंने फोटेज अपनी गेन कर ली। तो आते हैं नंबर 7 के ऊपर। नंबर 6 पे आ गए हैं अली गोनी। जी हाँ, अली गोनी को कल काफी कुछ सुनना पड़ा राहुल के साथ दोस्ती करने के बाद। राहुल के साथ दोस्ती की उन्होंने, राहुल और अली की जोड़ी बड़ी अच्छी दिखाई दे रही है, इस पे अभिनव शुक्ला ने भी टिप्पणी की, और इस जोड़ी को लेके सलमान खान ने भी काफी देर तक खींचा कैप्टनशिप के टास्क को लेके। तो अली गोनी की अगर हम बात करें तो अली गोनी खेल रहे हैं, उनको गुस्सा भी बकायदा आ रहा है और उनका गुस्सा दिखता भी है उनकी शक्ल से, यानी कि रियल दिखते हैं काफी हद तक। तो अली गोनी को कल भी काफी फुटेज मिली है इस पूरे सेक्शन में जो कैप्टनशिप का टास्क हुआ था, वहां पे जैसे अली गोनी की बात को सलमान खान ने बताया कि कैसे आप जैस्मिन के लिए हानिकारक हो और कैसे आपकी वजह से जैस्मिन बाहर हुई है, फिर उससे पहले भी आपको बिग बॉस ने समझाया था। अगर ओवरऑल बात करें तो सलमान खान ने अली गोनी को एक हिदायत दी है कि आप थोड़ा सा और अलग से खेलिए, जैस्मिन के लिए नुकसान मत बनिए, अगर आप अपने लिए आए तो अपने लिए खेल लिए। तो ये चीज लगता है अली गोनी को समझ आ जानी चाहिए, क्योंकि अगर रैंकिंग की बात करें तो अली गोनी बाकियों के कंपैरेटिवली ज्यादा चर्चा में रहे कल के एपिसोड में। तो अली गोनी आते हैं नंबर 6 पे। नंबर 5 पे आ गई है अर्शी। अर्शी को जब सलमान खान ने पूछा कि आपने एक सवाल पूछा था इन दोनों से, तो अब वो सवाल क्या था, तो अर्शी खान खुद कंफ्यूज होगी कि मैंने क्या पूछा था, जबकि वो बहुत ही सॉलिड सवाल था। और सलमान खान ने जिस तरह से कहा था कि गेम आप लोगों ने पलट दी है, यानी कि निक्की और अर्शी की तारीफ की थी, तो वो बकायदा उन्होंने दिल से कहा था क्योंकि ये दोनों ही खेल रही थी। तो खैर, अर्शी को जब सलमान खान ने पूछा और अर्शी ने फिर बाद में जैसे सलमान खान ने याद दिला दिया कि ये सवाल था कि मुझे विकास के आगे क्यों भिड़ाया जा रहा है, तो इस सवाल के ऊपर बहुत सारी डिस्कशन हुई, बहुत सारी बातें हुई। अर्शी का खूब पार्टिसिपेशन था, राहुल का भी पार्टिसिपेशन था, अली का भी पार्टिसिपेशन था, मगर यहाँ पे सलमान खान ने अर्शी की जो बातचीत को ट्विस्ट कर दिया, क्योंकि उन्होंने नकल उतारनी शुरू कर दी। तो जब सलमान खान किसी की नकल उतारते हैं तो उनको फुटेज डेफिनेटली ज्यादा मिलती है बाकियों के कंपैरेटिवली। तो अर्शी खान ने कल खूब फुटेज बटोरी सलमान खान के साथ ये नकल सेक्शन में, फिर बाद में जो एंड में हुआ उसमें भी, और बीच में भी उनकी काफी रही कल के एपिसोड में। तो अर्शी खान आते हैं नंबर 5 पे। नंबर 4 पे हैं जैस्मीन बसीन। जैस्मीन बसीन को गुस्सा भी आ रहा है, जैस्मीन बसीन को प्यार भी आ रहा है, और जैस्मीन बसीन में जेलसी भी दिखाई दे रही है। ये तीनों की तीनों चीजें कल हमने देखी एपिसोड में। शुरू में प्यार वाला सीक्वेंस था जिसमें अली और जैस्मीन आमने सामने बैठे हैं, और उस सेक्शन में जैस्मीन खूब शर्मा रही थी, उनको मजा आ रहा था। फिर जब सलमान खान के सामने आए और कैप्टन वाले टास्क की बात हुई, वहां पे भी सलमान खान ने थोड़ी सी जैस्मीन की क्लास ली, उनको गुस्सा भी आया कि आ रहा था गुस्सा, मगर वो दिखा नहीं रही थी। कोई बात नहीं, अली के लिए सब कुछ चलेगा, ऐसा कहते कहते वो आगे बढ़ गई। और जेलसी जो है रुबीना से उनकी थोड़ी दिखाई दे रही है, क्योंकि रुबीना को ज्यादा फुटेज मिल रही है, बिग बॉस की तरफ से भी मिल रही है, उनको चांसेस मिल रहे हैं जो जैस्मिन को नहीं मिल रहे हैं। तो ये सारी चीजें ओवरऑल दिखाई दी, और वो एंड में जाके निकल गई जब रुबीना को उन्होंने फेक और नकली कह दिया। तो ओवरऑल जैस्मिन दिखाई दी है कल के एपिसोड में, और आती है नंबर 4 के ऊपर। नंबर 3 पे आ गए हैं एजाज खान, जिनको जीजा जी कहा जाता है राखी सावंत की तरफ से, और पवित्रा को लेके जो मजा लिया कल सलमान खान ने, और एजाज खान का वो शर्माना और कहना कि भाई बाहर पता नहीं क्या होगा, बट अभी तो ये लग रहा है कि मिस कर रहा हूँ उसको, ये कुछ कहते हुए नजर आए एजाज खान सलमान खान को। सलमान खान को वो शायद बहुत ही अच्छे से उनको अपनी बातें कहते हैं, और बाकी लोगों से भी बात करते हैं, जो उन्होंने आरजे रुबीना की बात की कि ये उन्होंने गलत बोला था, अपनी बात वहां पे रखी, क्लैरिटी दी, और बाकी चीजें भी, जैसे लास्ट में
जो सेक्शन था उसमें भी वो जैसे उनको मिले थे बिस्किट्स मिले थे जो भी उनको टैग दिया गया था, तो सपोर्टिवली वो लेते हुए नजर आते हैं चीजों को। जब रुबीना ने आरजे वाला पोर्शन किया था उन्होंने कहा था दिखते नहीं हो, उन्होंने उस चीज को भी उस टाइम पे टास्क को सपोर्टिवली लिया, खूब मस्त डांस किया और बढ़िया सा अपना सेक्शन निकाला। तो ओवरऑल अगर माने तो एजाज खान गेम अच्छी खेल रहे हैं, बट उनको और भी अच्छा करना पड़ेगा, और भी चीजें लेके आनी पड़ेगी अपने अंदर। तो एजाज खान आते हैं नंबर 3 पे। नंबर 2 पे आ गए हैं राहुल वैद्य। जी हाँ, राहुल वैद्य का तो एक पूरा चंक सिर्फ राहुल वैद्य के ऊपर ही गया। सलमान खान ने खूब उनको सुनाया, पर जब सुनाया भी है तो भी राहुल वैद्य को सुनना भी पड़ा, उनकी बात सलमान खान नहीं सुन रहे थे, वो बार बार अपनी बात सुनाना चाहते थे, नहीं सुनी, मगर उनकी आंखों ने अपने दर्शकों तक उनकी बातें पहुंचा दी, उनका रोना तक निकल गया। और बाद में भी उनको फोटेज मिली जब सब लोग उनको आके पैम्पर कर रहे थे, उनको मना रहे थे, उनको हंसा रहे थे कि राहुल कोई बात नहीं, विकास गुप्ता ने अपना दुपट्टा कुर्बान कर दिया कि ये ले भाई, अब इसी चीज को अपना जो है स्ट्रेंथ बना और जीत जा। तो ये वाला कॉन्फिडेंस दिया विकास गुप्ता ने राहुल को, राहुल अब कॉन्फिडेंट भी नजर आ रहे हैं, अब वो मुझे लगता है इस चीज को जीतेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो राहुल आते हैं नंबर 2 पे। नंबर 1 पे आ गई हैं, जी हाँ, रुबीना दिलायक। आरजे की भूमिका रुबीना ने बहुत अच्छे से निभाई, दर्शकों को बहुत पसंद आई, ट्रेंडिंग में भी आरजे रुबीना चल रही है, ना सिर्फ वहां पे बल्कि बाद में भी रुबीना के बोलने पे जो सलमान खान सबको चुप करवाते हैं, तो एक तरह से वो रुबीना को फोटेज ही दिलवाते हैं वहां पे भी, और एंड में भी जो उनकी जैस्मिन के साथ लड़ाई हुई वो भी, ये सब चीजें रुबीना को लेके आई है सब लोगों से आगे, यानी कि नंबर 1 पे। तो रुबीना है नंबर 1 पे। तो दोस्तों ये थी हमारी सैटरडे के एपिसोड को लेकर रैंकिंग, आपको कैसी लगी जरूर कमेंट करके बताइएगा, और देखते रहिए चैनल हंगरी स्पिरिट। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब टू आवर चैनल बाय क्लिकिंग द सब्सक्राइब बटन, क्लिक द बेल बटन एंड एंजॉय द लेटेस्ट अपलोड्स फ्रॉम आवर चैनल।